नमस्कार, एसएफ न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ राजेश कांबले जी हैं जो महाराष्ट्र से आए हैं। आप महाराष्ट्र से चल के यहाँ पर सिर्फ किस लिए आए हैं वो बताएं। एक्चुअली सर, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ कंस्ट्रक्शन में। अच्छा, बट बाबा साहब आम्बेडकर की कर्मभूमि महाराष्ट्र है जी, उसी के कारण हर साल यहाँ लोग आते हैं जी। तो हम भी आज समय निकाल के बोले चलो देखते हैं जी। बाबा साहब ने ऐसा कौन सा काम किया कि आप यहाँ पर आए हैं? बाबा साहब ने जो काम किया सर, ये भारत में कोई भी करेगा भी नहीं ना हुआ है जी। पहला थिंग ये है कि जो बहुजन भारत के है उनके लिए संविधान लिख के पूरे रास्ते ओपन किए हैं। जो हम लोग पहले से गुलामी में थे, या आज के डेट में जो हम आज़ाद हैं, जैसे कि पहले ग्रामीण क्षेत्र में मोल मजूरी करना, गुलामी करना, बाबा साहब की वजह से आज जो हम है वहाँ अच्छे पोस्ट पे, जो IAS IPS जो भी ऑफिसर बनते हैं, उसी के कारण भारत के संविधान से हमको सबको एक हक दिया और उसी के कारण हम आज स्वतंत्र है जी। आप थे राजेश कांबली साहब जिन्होंने कहा कि अगर बाबा साहब ना होते तो आज हम ना होते, और एक बहुजन समाज के लोगों को ही नहीं पूरे देश को क्रांतिकारी रूप में आज़ादी देकर गए हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राजेश जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर।